नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 मार्च। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज बिहार में मनाई जाएगी धूमधाम से होली। बिहार दिवस की तैयारी पहुंची अंतिम चरण में। नीतीश सरकार कर रही है इतने जिलों में नीरा बिक्री केंद्र खोलने की तैयारी। बिहार में अवैध निर्माण हटाने के लिए लगाए जाएंगे 500 बुलडोजर। सुनील गावस्कर ने मयंक अग्रवाल के कप्तान बनने पर दिया कड़ा बयान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज बिहार में मनाई जाएगी धूमधाम से होली। आज समूचे बिहार में होली की खुमारी छाई हुई है। सुबह से ही लोग होली के मूड में आ गए हैं। गुरुवार को ही होलिका जलाई गई थी, लेकिन होली शुक्रवार को नहीं मनाई गई, जिसके बाद ही बिहार के ज्यादातर हिस्से में आज होली मनाई जानी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार बिहार के लोग आज होली मनाएंगे। हालांकि बीते दिन की बात की जाए तो सड़कें सूनी दिखी। राज्य के दूसरे हिस्सों में पटना आकर पढ़ने वाले और दूसरे जिलों से पटना आकर नौकरी करने वाले अपने दफ्तर की ओर जाते देखे गए। इसके साथ ही आज उम्मीद है कि राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा नहीं चहल पहल देखी जाएगी, क्योंकि बीते दिन राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा नजर आया, लेकिन आज बिहारवासी होली के रंग में सराबोर नजर आने वाले हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे परिवा प्रणति की। परिवा प्रणति एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सोप ओपेरा में दिखाई देती हैं। उन्होंने तलाश, वादा रहा, विद लव, दिल्ली जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। हाल ही में वो हमारी बहन दीदी श्रृंखला में अमृता की भूमिका निभा रही थी। वो वर्तमान में सोनी सब पर वागले की दुनिया, नई पीठ, नई किसी में वंदना वागले के रूप में अभिनय कर रही है। परिवा का जन्म पटना के एक बिहारी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता एयरफोर्स ऑफिसर है। वो वायुसेना, स्वर्ण जयंती संस्थान और दिल्ली में लेडी श्रीराम कॉलेज की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं। परिवा मुंबई में रहती हैं। परिवा ने अभिनेता और वन जीव फोटोग्राफर पुनीता सचदेव से वैलेंटाइन डे पर ग्वालियर में एक निजी समारोह में शादी की थी। 9 मई 2017 को दंपति को एक बच्चा हुआ था। बिहार दिवस की तैयारी पहुंची अंतिम चरण में। होली का त्यौहार खत्म होने के साथ ही बिहार में बिहार दिवस को लेकर के तैयारियां तेज हो जाएंगी। 22 मार्च को बिहार 110 साल का हो जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार दिवस पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद करने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अब तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके तहत इस बार पूरे धूमधाम से बिहार दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। जल जीवन हरियाली और नल जल योजना के थीम पर बिहार दिवस का कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा। साथ ही बिहार दिवस के मौके पर कई नामी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे और कई झांकियां भी निकाली जाएगी। आनंद कुमार अब समाज के वंचित बच्चों को देंगे मुफ्त में शिक्षा। सुपर 30 के संस्थापक और बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाने के लिए मशहूर आनंद कुमार की चर्चा वैसे ही खूब होती थी, लेकिन अब आनंद कुमार की चर्चा एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि अब सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ही बीते दिन ट्वीट करके दी है, जिसमें ही उन्होंने कहा कि अब किसी एकलव्य को शिक्षा के लिए अंगूठा नहीं गंवाना पड़ेगा। मैंने त्रिपुरा के आदिवासी कल्याण विभाग के साथ समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए एक MOU साइन किया है। नीतीश सरकार कर रही है इतने जिलों में नीरा बिक्री केंद्र खोलने की तैयारी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने के साथ ही जोर शोर से नीरा उत्पादन पर बिहार सरकार जोर दे रही है। यही कारण है कि बिहार सरकार राजधानी पटना समेत कई जिलों में नीरा बिक्री केंद्र खोलने को लेकर कवायद तेज कर चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना के अनुसार बिहार सरकार राज्य के 38 जिलों में नीरा बिक्री केंद्र खोल रही है। राजधानी पटना में भी 51 सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन सेंटरों पर 1 अप्रैल से नीरा की बिक्री शुरू की जाएगी। इन नीरा सेंटर को कर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बैठक भी की। बैठक में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने पर जोर दिया गया है। बिहार के विधायक और विधान परिषद सदस्यों के लिए लगेगा द कश्मीर फाइल्स का खास शो। द कश्मीर फाइल्स की चर्चा देश भर में हो रही है। इतना ही नहीं, सरकार भी इस फिल्म को देखने के लिए सभी लोगों से खास अपील भी कर रही है। यही कारण है कि कई राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया, जिसमें बिहार का भी नाम शामिल है। वहीं बिहार में अब विधायक और विधान परिषद सदस्यों के लिए द कश्मीर फाइल्स के खास शो का आयोजन होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स का 25 मार्च को खास शो आयोजित किया है। इसमें राज्य के विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को यह फिल्म दिखाई जाएगी। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित यह फिल्म पटना के एक सिनेमाघर में शाम 6:30 बजे माननीयों को दिखाई जानी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर बनी यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई गई है। लखीसराय SDPO का किया गया ट्रांसफर।
कुछ समय पहले ही विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के साथ दुर्व्यवहार का आरोप डीएसपी रंजन कुमार पर लगा था। मामला इतना तुल पकड़ चुका था कि इसको लेकर विधानसभा तक के में हंगामा हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विधानसभा अध्यक्ष के सामने आ खड़े हुए थे। आखिरकार लंबे गतिरोध के बाद सरकार स्पीकर की मांग के आगे झुकी है और फजीहत के बाद डीएसपी रंजन कुमार को तबादला कर दिया गया है, जिसके तहत ही उनकी जगह आईपीएस अधिकारी और दानापुर के एसडीपीओ रहे सैयद इमरान मसूद को लखीसराय का नया एसडीपीओ बनाया गया है। गृह विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक आईपीएस अफसर और अरेराज के एसडीपीओ अभिनव धीमन का तबादला इसी पद पर दानापुर में किया गया है। वहीं रंजन कुमार अब अरेराज के एसडीपीओ की जिम्मेदारी संभालेंगे। होली के बाद बिहार के लोग झेलेंगे गर्मी की मार। होली के रंगों में आज पूरा बिहार सराबोर नजर आने वाला है। वहीं मौसम की मार भी बिहार वासियों को भी खूब इस मौके पर देखने को मिलेगी। बिहार में अधिकतम तापमान में अगले दो दिनों में काफी तेजी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 मार्च तक सूबे में अधिकतम पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी होने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में हवा के रुख में भी परिवर्तन हुआ है, इस वजह से अधिकतम तापमान में 0.5 अंकों में गिरावट आई है। मौसम की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अभी 1-2 दिनों तक पूर्वा से वातावरण में नमी की स्थिति भी रह सकती है। ऐसी स्थिति में अगर तापमान चढ़ता है तो लोगों को पसीने वाली गर्मी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि अगले कुछ दिनों में हवा की दिशा में बदलाव के आसार है। 21 मार्च के बाद लू जैसी स्थिति कुछ जगहों पर दिख सकती है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल MPPEB भोपाल ने निकाली रिक्तियां। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल MPPEB भोपाल ने गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक, वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकारी, ग्रामीण बागवानी विकास अधिकारी, सहायक गुणवत्ता नियंत्रण कार्यकारी के कुल मिलाकर 208 पद पर आवेदन की मांग की है, जिसके बाद यह परीक्षा 26 और 27 अप्रैल 2022 को ली जाएगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तारीख 16 मार्च 2022 है। ऑनलाइन आवेदन करने और आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तारीख 30 मार्च 2022 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तारीख तक आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। होली को लेकर बढ़ाई गई स्टेशनों और ट्रेनों की निगरानी। होली को लेकर के आज सभी स्टेशनों और ट्रेनों की निगरानी को बढ़ाने का काम किया गया है, जिसके तहत ही गोरखपुर जंक्शन के सभी गेट काउंटर और विश्राम माले से लेकर के रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। बिहार आने वाली सभी ट्रेनों पर भी खास नजर रखी गई है। RPF के प्रभारी राजेश कुमार की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। उनके अनुसार स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, साथ ही यात्रियों को भी जागरूक किया गया है, क्योंकि त्यौहार के समय में कई आपराधिक वाक्यों के घटने की भी संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि सभी यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही बिहार जाने वाली वैशाली, बाघ, मौर्य और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में अंग्रेजी शराब की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। हर दिन दर्जनों बोतलें बरामद की जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सख्त जांच अभियान चलाए जाने का निर्देश भी दिया गया है। पूर्व मंत्री रामदेव सिंह यादव का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मुंगेर से पूर्व मंत्री रामदेव सिंह यादव की जान हाल ही में हृदय गति रुकने के कारण चली गई थी, जिसके बाद ही बीते दिन पूर्व मंत्री रामदेव सिंह यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जो कि लाल दरवाजा गंगा घाट पर किया गया। इस दौरान DM नवीन कुमार, SP JJ रेड्डी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहे। घाट पर मौजूद अधिकारियों ने स्वर्गीय रामदेव सिंह यादव के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुखाग्नि स्वर्गीय रामदेव सिंह यादव के बड़े बेटे देवाशीष यादव ने दी। मंत्री जी के अंतिम संस्कार को लेकर पूर्व कासिम बाजार थाना क्षेत्र के खोजा बाजार स्थित उनके पैतृक आवास से निकाली गई ये यात्रा शहर के कौड़ा मैदान, मुख्य बाजार होते हुए पूर्व सराय, गांधी चौक, नीलम रोड, तोपखाना बाजार से होकर गंगा घाट पर पहुंची। इस दौरान जगह जगह लोगों ने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि भी दी। मैट्रिक के कॉपियों की जांच हुई खत्म, अब जल्द ही रिजल्ट जारी करने की शुरू हुई तैयारी। इंटरमीडिएट की परीक्षा और परिणाम मामले में रिकॉर्ड कायम कर चुके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देश भर में तारीफ बटोर रहा है, जहां अब तक किसी भी बोर्ड ने परीक्षा तक का आयोजन नहीं करवाया है। इस बीच बिहार बोर्ड की तरफ से परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन तो करवाया ही गया, साथ ही साथ समय पर परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद ही बिहार बोर्ड अब मैट्रिक के परीक्षा परिणाम को जारी करने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि होली के बाद इसी महीने किसी दिन रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले महीने 17 से 24 फरवरी के बीच मैट्रिक की परीक्षा हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक की कॉपियों की जाँच के लिए निर्धारित अवधि के तहत ही बीते दिन समाप्त हो गई। बिहार में अवैध निर्माण हटाने के लिए लगाए जाएंगे 500 बुलडोजर। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि बिहार में अवैध निर्माण को ढहाने की बिहार सरकार ने तैयारी कर ली है, जिसके बाद
बिहार सरकार ने इन सभी पर बुलडोजर चलाने की योजना भी बनाई थी। अब जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार सरकार जमीन पर अवैध निर्माण को खत्म करने के लिए 500 बुलडोजर को लगाने वाली है। इन बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को खत्म किया जाएगा, जिसकी जानकारी बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि विभाग के पास अवैध निर्माण की सारी जानकारी आ गई है। सरकार बहुत जल्द राज्य के अलग अलग जिलों में अवैध निर्माण को तोड़ेगी और उस पर बुलडोजर चलाएगी। होली के बाद बिहार में शराब पीने वालों को मिलेगी राहत। बिहार में शराब पीना किसी गुनाह से कम नहीं है, जिसकी सजा अब तक बेहद ही कड़ी थी। इतना ही नहीं, शराब पीने वालों के खिलाफ पटना के कोर्ट में भी कई मामले लंबित पड़े थे, जिससे कोर्ट भी परेशान था। यही कारण है कि अब बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी हो रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार होली के बाद बजट सत्र में शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक विधानमंडल में पेश किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। अगर ऐसा हुआ तो ये बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2022 कहलाएगा। सभी विधेयकों को संशोधन अधिनियम का ड्राफ्ट कराया जाएगा, ताकि वो नए कानून को समझ सके। नए संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़े जाने का प्रावधान किया जा रहा है। अगर कोई शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव से में पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि अब शराब पीने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में जन्मे डॉक्टर आशीष झा बने अमेरिका में कोविड कोऑर्डिनेटर। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन्हीं प्रतिभाओं ने देश के साथ साथ विदेशों में भी अपना परचम लहराया है। इसी में अब एक नाम डॉक्टर आशीष झा का भी जुड़ गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिहार में जन्मे एक वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को व्हाइट हाउस में कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की प्रतिक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्ति किया है। वर्तमान समय में डॉक्टर आशीष झा ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में डीन है। वो अमेरिका के सबसे लोकप्रिय विशेषज्ञों में से एक है, जिनके पास मीडिया कोविड महामारी और इसे नियंत्रित करने के प्रयास की व्याख्या करने के लिए पहुंचता है। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा है कि मैं डॉक्टर आशीष झा को नए व्हाइट हाउस कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में नामित करने के लिए उत्साहित हूं। तालाब सहित बिहार के सभी जल स्रोत 3 महीने में होंगे अतिक्रमण मुक्त। बिहार के जितने भी तालाब और जल स्रोत हैं वो जल्द ही अतिक्रमण मुक्त होने वाले हैं। सरकार की योजना के अनुसार अगले 3 महीने में इस काम को अंजाम दे दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा में 46 तालाबों पर से अतिक्रमण अगले 2 महीने में समाप्त हो जाएगा। राज्य के 34,000 जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त कर लिए गए हैं। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 3 साल पहले जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया था। ये धरातल पर कब उतरेगा, इसकी ही योजना बनाई जा रही है। योजना के अनुसार जब अब अप्रैल मई और जून में अभियान चलाकर तमाम जगहों से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। लालू परिवार इस बार भी नहीं मना रहा होली। एक समय था जब लालू परिवार की होली का जिक्र पूरे बिहार में तो होता ही था, क्योंकि बिहार की असली कुर्ताफार होली लालू यादव के आवास पर होती थी। हालांकि बीते कुछ साल से होली का रंग राबड़ी आवास पर फीका फीका है, क्योंकि राजद के मुखिया बीते कई सालों से जेल में बंद है। हालांकि इस बार उम्मीद थी कि लालू यादव परिवार संग होली मनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि डोरांडा कोषागार मामले में लालू यादव जेल में बंद है। इसी बीच राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर होली होने के बाद भी शुक्रवार को सन्नाटा रहा। आवास के बाहर होली का कोई रंग नहीं दिखा। मौके पर ना तो कोई नेता मौजूद रहे, ना ही कोई कार्यकर्ता। लालू आवास के बाहर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कुछ पोस्टर जरूर लगाए हैं, जिसमें होली की बधाई दी गई है। कुछ सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर आवास के बाहर कोई नजर नहीं आया। भाजपा ने बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र के उपचुनाव के लिए घोषित किए अपने उम्मीदवार। भाजपा ने पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र के लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत आसनसोल लोकसभा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार की एक एक सीट पर हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। भाजपा के महासचिव अरुण सिंह की तरफ से जारी की गई सूची के अनुसार पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आसनसोल लोकसभा सीट से अग्निमित्रा पाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पश्चिम बंगाल के पालीगंज से केया घोष को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बिहार बोचहा सीट से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बेबी कुमारी के नाम की घोषणा की गई है। भाजपा ने दिखाई मुकेश सहनी की हैसियत। उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाले सहनी की मुश्किलें अब बिहार एनडीए में भी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि जहां एक तरफ सहनी ने हाल ही में तेजस्वी यादव को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था, वहीं अब भाजपा की तरफ से वीआईपी की सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारकर इन दोनों के बीच की लड़ाई और बढ़ने लगी है। यानी कि भाजपा ने मुकेश सहनी को उनकी हैसियत दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही बिहार में सहनी की पार्टी वीआईपी के विधायक के निधन से खाली हुई बोछा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। ये वही सीट है जिस पर साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने आरोप लगाया था कि मुकेश सहनी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। ऐसे में अब भाजपा ने इस पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, जिसके बाद ये देखना दिलचस्प है कि मुकेश सहनी भाजपा के इस कदम के बाद कौन सा कदम उठाते हैं।
पप्पू यादव के घर में दिखा होली का जश्न, खूब खेली गई होली। होली का पर्व आज पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। वहीं होली के शुभ अवसर को लेकर बीते दिन ही होली में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का अनोखा अंदाज दिखा। दिल्ली के साउथ एवेन्यू स्थित उनके आवास पर वो पत्नी रंजीत रंजन और बच्चों के साथ रंग गुलाल खेलते दिखे। रंजीत रंजन ने पप्पू को जमकर रंग लगाया। इस दौरान पप्पू शर्माते हुए दिखे। इतना ही नहीं, रंजीत और परिवार के अन्य सदस्य फिल्मी गाने की धुन पर थिरकते भी नजर आए। वहीं इस मौके पर पप्पू ने कहा कि बहुत दिनों बाद आज हमने परिवार के संग रंगों का पर्व होली को सेलिब्रेट किया। दिल्ली एनसीआर में बीते दिन ही होली मनाई गई थी, जबकि बिहार में आज होली मनाई जानी है। सुनील गावस्कर ने मयंक अग्रवाल के कप्तान बनने पर दिया कड़ा बयान। पंजाब किंग्स आगामी इंडियन प्रीमियर लीग में नए कप्तान मयंक अग्रवाल के साथ उतरने के लिए तैयार है। फ्रेंचाइजी द्वारा पूर्व कप्तान केएल राहुल को रिटेन नहीं किए जाने के बाद टीम ने मयंक को अपना नया कप्तान चुना था और अनिल कुंबले को कोच के रूप में जारी रखा है। लेकिन भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को लगता है कि नए कप्तान के लिए ये काम आसान नहीं होगा। पंजाब पर अपने विचार साझा करते हुए गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में स्वीकार किया कि पीबीकेएस ने टीम में मौजूद प्रतिभाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए संघर्ष किया है, ये कठिन कार्य होगा। अब वॉइस के जरिए ही हो जाएगी एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत वैसे एलपीजी उपभोक्ता जो इनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान की सुविधा शुरू होने वाली है। इसको लेकर बीपीसीएल ने आवाज या फिर वॉइस के जरिए डिजिटल भुगतान सुविधा की पेशकश करने के लिए अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यानी कि अब भारत गैस के उपभोक्ता यूपीआई 123 पे के जरिए रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं और उसका भुगतान भी कर सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। आजाद हिंद फौज ने 1944 में पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पहली बार एकेडमी अवार्ड का 1953 में प्रसारण टेलीविजन पर हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में मित्रता समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। डोन कपूर रॉय ने 2008 में मेघालय के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2008 में सरबजीत की फांसी 30 अप्रैल 2008 तक रोकी। भारतीय अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का 1984 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण भास्कर खरे का 1884 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। सन 1890 में स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य और आर्य समाज के पांच प्रमुख नेताओं में से एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का निधन हुआ था। 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई द कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को माउथ पब्लिसिटी का तगड़ा फायदा मिला है। फिल्म की को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर खूब प्रमोट किया जा रहा है। पहले दिन के बाद से ही फिल्म ने तेजी से कमाई शुरू की और अब कुल 7 दिनों में फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। होली के खास दिन पर फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है और जिसके बाद ही जानकारी खुद विवेक ने सोशल मीडिया पर दी है। विवेक के इस पोस्ट को भी फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। इंस्टाग्राम से डिलीट हुई पोस्ट को आसानी से कर सकते हैं रिकवर। आजकल सभी लोग अपने बेस्ट मोमेंट्स दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने के लिए इंस्टाग्राम का पोस्ट शेयर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूजर से किसी कारणवश साझा की गई पोस्ट डिलीट हो जाती है। जाहिर है आप भी अपनी फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते होंगे। यदि आपसे गलती से कोई पोस्ट डिलीट हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपनी डिलीट हुई इंस्टाग्राम पोस्ट को आसानी से रिकवर कर पाएंगे। आपको बता दें कि डिलीट हुई पोस्ट केवल 30 दिन तक रिसेंटली डिलीटेड सेक्शन में उपलब्ध रहती है। यूजर डिलीट हुई पोस्ट को 30 दिन के भीतर रिकवर कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, आकाश कुमार, रंजन कुमार, बाबूलाल मरांडी, विजय घायल, विकास कुमार, रंजीत मिश्रा, विनय कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप राम, बाबू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज होली के मौके पर आप बिहारवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।